वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाब पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्द्र अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं अहम् न जानी। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं अहम् न जानी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीयै नमः। ीगुरुभ्यो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतीप्रदे वस त्वं मम जिवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेदवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धामनमामदद ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवदारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्गयते गिरिं यत्कृपा त्वमहम वन्दे परमानन्दनमाधवम् कृष्णगनैयालालगीज भक्तवत्सलभगवानगीज वृन्दावनविहारिलालगीज भगवान् श्रीरामकृष्णदेवगीज भागवत भगवानगीज भागवत भक्त भगवान गीज ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 सर्वप्रथम हम पूज्यपात स्वामी आदि महाराज जी के चरणों में शस्त्रधेय प्रणाम निवेदित करते हैं तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में शस्त्र प्रणाम निवेदित करते हैं उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्य सभी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में शस््रद्ध्येय प्रणाम निवेदित करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहूर् मुहूर् वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें यम मनुबेदमेतृत्यम दायनो विरह कातर आ पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽदू तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणदक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायण नारायण तो आइए हम लोग परमहंस सिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भागवत के एकादश स्कंद का दर्शन करें संतों का आचार्यों का महात्माओं का आश्रय लेकर के उनके वांगमय स्वरूप का आश्रय लेकर के हम भागवत तत्व में प्रवेश करें तो कल हम जो चिंतन कर रहे थे आनंद जो है सुख जो है वो हमारे नेत्रों में नहीं है सुख हमारे कर्ण में नहीं है सुख हमारी जेहुआ में नहीं है सुख हमारी त्वचा में नहीं है सुख हमारी नासिका में नहीं है सुख आभास भाष्य नहीं है सुख आभास भाष्य नहीं, नहीं है सुख कैसा है साक्षी भाष्य है अंतकरण का जो साक्षी है वह साक्षी कौन है अंतकरण चिंतन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे देखिए सुख जो है वो साक्षी भाष्य होता है जो चित्त में होता है लेकिन चित्त में जो सुख है वो भी असली सुख नहीं है आप कहेंगे महाराज क्यों तो हम रात दिन क्या गाते हैं थोड़ा चिंतन कीजिए मनोबुद्धि अहंकार चित्ता हम मैं मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ चित्त नहीं हूँ अहंकार नहीं हूँ तो जो सुख हम हमने अभी चिंतन किया कि सुख जो है आभास भाष्य नहीं है साक्षी भाष्य होता है जो चित्त में होता है साक्षी भाष्य पर वह भी असली नहीं है उससे और आगे जाएं, तो और आगे क्या है असली सुख तो आत्मस्वरूप ही होता है आत्मस्वरूप ही होता है आभास भाष्य नहीं है सुख और सुख साक्षी भाष्य है बोले वह भी जो चित्त में होता है वो भी असली सुख नहीं है वो भी नकली है क्योंकि सुख तो आत्मस्वरूप ही होता है आत्मा से ही हमें सुख मिलता है इसलिए कहा वो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है एवं आत्मा आनंद स्वरूप है इस सिद्धांत बहुत गहन सिद्धांत है हा? कि सुख आभास भाष्य होता नहीं है आभास भाष्य नहीं है सुख कैसा है साक्षी भाष्य बोले वो भी असली नहीं है क्योंकि वो चित्त में होता है वो भी असली नहीं है साक्षी भाष्य क्योंकि असली सुख तो हमें आत्मस्वरूप आत्मा से ही प्राप्त होता है तो दुनिया में जो हमें सुख मालूम पड़ रहा है वो कैसा है बोले वह तो भ्रांति है जो भी इंद्रियों से सुख की अनुभूति हो रही है वो सब सुख कैसा है बोले वो भ्रांति है बोले वृत्ति में जो सुख होता है सुखाकार वृत्ति वृत्ति में जो दुख होता है बोले वो भी नकली है वो असली नहीं है क्योंकि सुख तो केवल आत्मस्वरूप ही होता है न वृत्ति में सुख है न विषय में सुख है इसलिए कभी हमारी वृत्ति सुखाकार बनती है तो कभी दुखाकार बनती है और जब सुखाकार बनती है तो हम सुखी हो जाते हैं दुखाकार बनती है तो हम दुखी हो जाते हैं ये सर्वथा गलत है इसलिए हमने देखा था हमारा योग शास्त्र हमें कहता है बारंबार जब हम दुख से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम नॉट द थॉट्स थॉट्स आर इन मी आई एम सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स लेट इट कम एंड लेट इट गो क्योंकि मैं कोई वृत्ति नहीं हूं पहले समझिए हम कोई वृत्ति नहीं है सुख तो केवल आत्मस्वरूप ही है इसलिए यहां कहा कि सुख का नाम तो परमात्मा है सतस्वरूप ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप तो कहा भगवत पादार विन्दात, लवन निमीषार्ध भक्त कैसा है एक निमिष के लिए भी भगवान के चरणारविंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है देखिए भक्त की अद्भुत बात बता रहे हैं अब हम सगुण भक्त की बात देख रहे हैं निर्गुण भक्त का तो उदाहरण कल हमने देख लिया सगुण भक्त जो है वो भगवान के चरणारविंद को एक लव मानी निमिष के लिए भी एक निमिष निमिष मानी आंख जो खोली और बंद की निमिष हो गया एक निमिष के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है एक पलक जो गिरती है निमिष निमिष मात्रे तंतु एक। एक निमिष में भगवान जीव को ब्रह्मत्व प्रदान कर देते हैं नारायण नारायण एक निमेश में स्मरणमात्र संतुष्टाय स्मरण मात्र से जो संतुष्ट होने वाले हैं निमेश मात्र क्या क्या सुंदर हमारे भारतीय वांगमय तत्व ज्ञान के अंदर में ऐसे ऐसे अद्भुत सिद्धांत है और महात्माओं ने अपने जीवन से वो बताए निमेश मात्र क्या बताए एक महात्मा जी अब उनको महात्मा बोलिए महा संत बोलिए भगवान बोलिए जो बोलना है बोलिए जिसकी जो भावना रंगदूत महाराज जी पूज्यश्री एक बार भक्त वहाँ भोजन के लिए गए थे मनी उनके वहाँ रुके थे तीन दिन के लिए तो एक घटना होगी 1960 के बाद के 60 साठ से अड़सठ के बीच में तो महाराज जी का नियम था साढ़े दस बजे वो भोजन कर लेते थे दिन में एक बार भोजन करते थे ठीक साढ़े दस बजे भोजन कर लेते थे जिस वक्त के वहां रुके हैं साढ़े दस हो गया पूज्यश्री टाइम के बहुत बड़े पाबंदी थे ठीक टाइम पर सब कुछ होना चाहिए शिस्त पालन उनका पहली सेवा थी नियम का पालन एवं शिस्त का पालन तो जैसे साढ़े दस बज गए रसोई घर में चले गए जिस वक्त जा रहे घर की एक माता रूपी नारी को अद्भुत प्रदान किया क्या किया प्रवेश हो रहे हैं और उस मातृपा नारी की दृष्टि और महाराज की दृष्टि एक हो गई जीव में पात्रता थी एक क्षण के लिए एक क्षण के लिए आंख मिली है समझिए और वहीं पर वह आनंद प्राप्त किया वह मातारूपी नारी अपना सब बुध भूल गई है और भीतर में जो आनंद हो रहा है इतना आनंद नेत्रों से अश्रु बह रहे रुके रुक नहीं रहे ऐसा नहीं कोई आश्चर्यचकित हो गए हैं अचानक किसी को देख में आश्चर्य हो गए वो एक अलग बात होती है वहां आनंद की अनुभूति नहीं होती है आश्चर्यता की अनुभूति होती है लेकिन ये तो आनंद की अनुभूति परमानंद की एक क्षण के लिए क्षण मात्र निमेश कह सकते हैं अधिक से अधिक एक निमेश में वो मातृपा नारी को अद्भुत आनंद प्रदान किया ऐसे कई घटनाएं हर एक महापुरुष महाराज महाराज के जीवन में है अरे स्वामी विवेकानंद जब मठ में थे और उनके शिष्य कोई कोई मंदिर की ओर जा रहे हैं बाबूराम महाराज भी स्वामी प्रेमानंद जी पुराने मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और स्वामी जी तब नीचे हैं और वहाँ पर स्वामी जी कहते हैं आप सबको उस ब्रह्मत्व की अनुभूति हो शब्द हम हमारा कुछ आगे पीछे हो सकता है शब्दार्थ पर मत जाइए हमारे कहने का जो तात्पर्य है उसके पर जाइए और सबको उस परम तत्व की अनुभूति हुई है निमेश मात्र से महात्माओं में महापुरुषों में आचार्यों में भगवान में वो शक्ति होती है समझिए निमेश मात्र से जीव के अंदर में उस चैतन्य को प्रकाशित कर देते थे जागृत कर देते थे ये महात्माओं की महिमा होती है अपनी आध्यात्मिक शक्ति होती है अब जो भक्त है वो एक निमेश के लिए भी भगवान के श्रीचरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा वो अभी उत्तम भक्त उसमें सगुण उत्तम भक्त कौन है उसका वर्णन हम देख रहे हैं जी अब क्यों नहीं छोड़ने के लिए तैयार है बोले अजितात्मसुरादि भीर मृग्यात जो लोग अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखे हैं वे लोग भगवान के चरण को ही ढूंढते रहते हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए जगत में कतई नहीं चाहिए कल देखा ने चार प्रकार की मुक्ति आ जाती है सालोक्य सामीप्य सायुज्य और सारूप्य भक्त नकार देता है निकलो यहां से मुक्ति को कह देता है हमारा समय बर्बाद मत करो रंगदूत महाराज का भजन में कल हमने देखा मुक्ति पदतल चाटे मुक्ति पांव चाटती है भक्त के भक्त मुक्ति की परवाह कतई नहीं करता है हमारा नरसैया ने लिख दिया अमे तो हरिना जन न मांगिए मुक्ति मांगिए जनमो जनम अवतार अरे हमें मुक्ति नहीं चाहिए बहुत सारे भजन है मने मुक्ति मड़े के ना मड़े मारे भक्ति करवी श्रेष्ठ भक्त ना लक्षणों बदा मने मुक्ति मड़े के न मड़े मारे भक्ति करवी है तो यहां पर सगुण श्रेष्ठ भक्त यही कहता है कि मुझे जो भगवान के चरणारविंद प्राप्त हुए है उसमें एक घड़ी नहीं एक निमेश आधी निमेश के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं मुक्ति तो क्या त्रिभुवन का राज्य तो का क्या अरे मुझे कोई भी शक्ति ऐसी दे दो कि मैं जिसको बोलूं वो धर्मात्मा बन जाए जिसको कहूं कि जाओ तुम संपत्तिवान हो जाओ धर्मात्मा बन जाओ वो धर्मात्मा बन जाएगा वह शक्ति भी हमें नहीं चाहिए प्रभु हम तो तुम्हारे चरणारविंद की भजना करते रहे पग मने धोवा दो गुरु राय रज तमारी चेतन जीव शिव बनी जाए क्या सुंदर भजन है गुजराती भजन छे पग मने धोवा दो गुरु राय वो गुरु राय आपके चरणार बिंद मुझे धोने दीजिए ताकि जीव शिव बन जाता है आपके चरणार बिंद की पूजा करते करते वो आधी निमिष के लिए भी भगवान के चरणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भरत जी का उदाहरण ले लीजिए भरत जी राम जी की पादुका छोड़ने के लिए राम जी के श्रीचरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अब देखिए सगुण भक्त की हम बात कर रहे हैं सगुण भक्त कहता हमें समाधि नहीं चाहिए समाधि आप अपने पास रख लीजिए हमें आपका ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए हमें आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए हमें आपका गोलोक भी नहीं चाहिए साकेत लोक भी नहीं चाहिए हमें ब्रह्मपद भी नहीं चाहिए तो तु बोले तुम्हें क्या चाहिए नारायण भक्त कहता है प्रभु हम आपको साफ कह देते हैं हम आपके लोक में प्रजा बनकर होना नहीं हम आपके लोक में प्रजा होना नहीं चाहते हैं अर्थात हम गोलोक विष्णुलोक वैंकुंठलोक साकेत लोक में नहीं आना चाहते हैं देखिए पराकाष्ठा देखिए भक्त की फिर कह देता है हमें आपका आभूषण भी बनना नहीं है भगवान के आभूषण है हमें आपके आभूषण भी नहीं बनना है साफ शब्दों में कह दिया फिर कह दिया प्रभु आपके सरीखा भी हमें बनना नहीं है भगवान कहते ठीक है चलो तुम विष्णु लोक में हम तुमको विष्णु दूत बना देंगे <coughs> देखा था ना भागवत के महात्मा के अंदर में जब धुंदुकारी मुक्त हुआ तब तो क्या हुआ उसको लेने के लिए विष्णु दूत आए और धुंधुकारी स्वयं पिताम्बर पहन करके बस कस्तूरी तिलक लगा करके गले में माला पहन करके सब विष्णु जैसे लगते हैं दूत तो भक्त कहते हैं प्रभु हमें आपके जैसा भी बनना नहीं है प्रभु हमें आपके सरिखा रूप स्वरूप भी नहीं चाहते हैं हम प्रभु हमें आपसे एक भी होना नहीं है देखिए भक्ति की पराकाष्ठा सगुण भक्ति की पराकाष्ठा की हम चर्चा कर रहे हैं हमें आपसे एक भी होना नहीं है न हम आपके लोक में प्रजा होकर बनना रहना चाहते हैं ना आपका आभूषण बनना चाहते हैं ना आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं और ना ही हम आपसे एक होना चाहते हैं बस हमें तो आपके चरणार बिंद की ही सेवा करती रहनी है हम आपके चरणार बिंद की ही भजना करते रहेंगे हमें और कुछ नहीं चाहिए भक्त लोगों ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ सेवा को माना है इसलिए देखिए वैष्णो संप्रदाय में सेवा का बहुत ही महत्व महत्व है हम लोग बचपन से अनेकों आश्रम में जाते हैं आप लोग गए होंगे आश्रम में भी गए होंगे वृंदावन में चले जाइए वहां सेवा का अधिक महत्व है जितने वैष्णव परंपरागत आश्रम होते हैं वह सेवा का बहुत महत्व होता है भगवान की कोई भी सेवा चाहे विग्रह की सेवा कीजिए आश्रम की सेवा कीजिए कोई भी सेवा कीजिए अधिभूत अधिदैव अध्यात्म रूप से तो भक्त कहते हैं प्रभु हमें आपकी सेवा चाहिए अब यहां प्रभु क्या करे ना 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 हम तुमको पेंशन देने के लिए तैयार है अब आप थोड़ा तनिक सोच लीजिए पेंशन बढ़ा कि सेवा बड़ी निश्चित महाराज सेवा बड़ी है पेंशन बढ़ा नहीं है मान लीजिए आपके घर के अंदर में आपके कारखाने में कोई एक माली है या कोई एक सेवा करने वाली व्यक्ति है बहुत साल से रह रही है तीस पैंतीस चालीस साल हो गए अब वृद्धत्व आ गया तो आपने कहा कि ठीक है भाई आप अब घर पे रहिए आपको हम पेंशन भेज देंगे आप चिंता मत कीजिए हम आपने इतने साल हमारी सेवा की है अब आप वृद्ध हो चुके हैं आप घर पे रहिए हम आपको पेंशन भेजा करेंगे तो व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कह दिया देखिए साहब हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है हम जब से बड़े हुए आपके यहां सेवा कर रहे हैं हम आपकी सेवा करते रहेंगे जितनी हो सकेंगे आपकी सेवा करते रहेंगे हम आपसे पेंशन नहीं चाहते हैं कृपा करके हमें यहां सेवा करने का मौका दीजिए तो क्या हो गया आप क्या कहेंगे ठीक है बाबा आपकी जैसी इच्छा तो भक्त भी कहता है प्रभु हमें पेंशन नहीं चाहिए पेंशन अर्थात हमें आपसे एक नहीं होना है हमें आपका स्वरूप नहीं चाहिए हमें आपका आभूषण बनना नहीं है हमें आपके कोई लोक में प्रजा भी नहीं बनना है हम तो केवल आपके चरण अरविंद की भजना करते रहेंगे और देखिए महात्मा लोग देखें वैष्णो महात्मा लोग सारा दिन नारायण शिला की इस तरह से पूजा करेंगे इस तरह का श्रृंगार करेंगे उस तरह का श्रृंगार करेंगे दूसरे किस्म का श्रृंगार करेंगे बस किसी से कोई बात नहीं वो अपने भगवान को लेकर अपने अर्चावतार को लेकर मस्त है तो है बोले भागवतोत्तम तो भक्त कहता है प्रभु हमें पेंशन नहीं चाहिए प्रभु हमें तो अपने हृदय में आपके श्री चरणारविंद चाहिए बस आपके श्रीचरण हमारे हृदय में बने रहे हम उसका ही ध्यान करना चाहते हैं हम उसी की पूजा करना चाहते हैं इसलिए हम लोग गाते हृदय कमल मध्य राजित सदा खिल भेदा तीतमेक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंद मूर्ति विमल परम राम कृष्ण बजाम विमल परमहंसम राम कृष्णम बज्य हम बोले ध्यान करो हम तो भगवान आपके श्रीचरण का ध्यान करना चाहते क्यों आप कैसे हैं उर्विक्रमा उरुविक्रमानी मानी जिन्होंने तीन पांव के अंदर में तीनों लोक माप लिया है दो लोक पूरे समझ ली जिन्होंने तीन पांव में सारी धरती और पाताल स्वर्ग को माप लिया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को माप लिया उरुविक्रमा एक साथ जो सबके हृदय में रहे उसका नाम है उरुविक्रमा तो भगवान के चरणारविंद की उंगलियां देखिए जब भक्त अपने हृदय में भगवान के श्रीचरण को बदराता है तो कैसा है शुणु सखी कौतुकमेकम मया दृष्टम नंद निते नंद निकेतांग गोपी कहती है दूसरी गोपी को सुणु सखी कम क्या कौतुक में कम नंद निते नंद निकेतांगने ने मया दृष्टम नंद निकेतन के आंगन में निकेतन में मैंने एक कौतुक देखा क्या देखा गोधुली दूसरी तांगो शरीर जो है गोधुली से भरा हुआ है गोधुली दूसरी तांगो सारा शरीर गोधुली से भरा हुआ है नृत्यति वेदांत सिद्धांत वेदांत का सिद्धांत वहां पर नृत्य कर रहा है आनंद वृंदावन में उसका सुंदर निरूपण किया है महात्माओं ने बोले भगवान निरूपण निरावरण है और भगवान के श्रीचरण इतने सुंदर मधुर है श्रीचरणों पर लालास है पावों में नुपुर है भगवान के श्रीचरण अत्यंत कोमल है और उसको हमने हमारे हृदय में धारण कर लिया है और उस चरणारविंद को हम अपना सर्वस्व दे रहे हैं उस चरणार बिंद को हम जमुना जी से गंगा जी से स्नान करा रहे गाते ना आप लोग यमुना जड़मा के सर गोड़ी स्नान कराऊ श्यामड़ा यमुना जड़ म के सर गोड़ी स्नान कराव शाहमड़ा हल्के हाथ अंगो चोड़ी लाड़ लड़ाव शाहमड़ा हमड़ा अंग लू छी आपू वस्त्रो पीड़ पितांबर प्यार मा। तिल सुगंधी नाखी आपूं वाकड़िया तुझ वाह मां यमुना जड़मा केसर घोड़ी स्नान कराऊं आऊ हमारे हृदय में हम भगवान के श्री चरण को रखे हैं रंगदूत महाराज लिखते हैं सेज बिछावी भूली हूं तनु भान सद गुरु जी मारा अरे मैंने हृदय कमल के अंदर में सुंदर सा आसन बना कर रख दिया है प्रभु आइए मुझे दर्शन दीजिए और आपके श्रीचरण को धोने का सुंदर सुअवसर प्राप्त कराइए और भक्त धीरे धीरे गंगा जी से जमुना जी से भगवान के श्री चरण धोता है उष्ण जल से धीरे धीरे स्नान कराता है भगवान के श्री चरण को देखिए श्री कृष्ण देव भी दो बड़ी बड़ी सांबा कुड़ी के अंदर में एक में उष्ण जल रहता था और थोड़ा एक में शीत जल रहता था और गंगा जी के घाट पर बैठ के हृदय ठाकुर जी को स्नान कराता था थोड़ा चिंतन कीजिए भगवान का तो ध्यान इसी तरह से करना है ध्यान का तो विषय तो लेना पड़ेगा तो एक विषय लेना पड़ेगा विषय ले लीजिए और अपने हृदय में भगवान के श्रीचरण की हम पूजा करें भगवान के श्रीचरण को गंगा जी से यमुना जी के जल से धोए हैं धीरे धीरे तत्पश्चात सुंदर तिलक किया है भगवान के श्री चरणों में पंचोपसार से पूजा करनी है तो पंचोपसार से पूजा कर लीजिए पहले सुंदर गंगा जी से स्नान कराया जमुना जी से कराया तत्पश्चात दूध से स्नान कराया शीतल दूध है तत्पश्चात दही से तत्पश्चात मधु से तत्पश्चात शर्करा से फिर सुंदर शीत एवं उष्ण जल से भगवान को स्नान कराया श्रीचरण को सुंदर तिलक किया और उस श्रीचरण को हमारे हृदय कमल में रख दिए हैं, बस हम उसी चरण की सतत वंदना कर रहे हैं हृदय कमलनी से जब भूली हूँ तनु य भान सद गुरु जी मारा अरे मैं तो तन का भान भूल गई हूं प्रभु आपके चरणों की वंदना करते करते दर्शन दे जो दौड़ी सद गुरु जी मारा बीजू न मागु काु जी मारा हम दूसरा कुछ भी आपसे नहीं चाहते प्रभु हम आपके चरणार विंद के भजना करते रहे और भगवान के श्री चरण कैसे है आ उसमें से अद्भुत तेज निकल रहा है और वो तेज हमारी हृदय गुहा को आलोकित कर रहा है अज्ञान अंधकार हमारा पूर्ण रूप से मिट गया आनंद की फुहारे फुर रहे हैं जी माही मोरे आनंद न समाय भगवान के श्री चरण के तेज से हमारा हृदय आलोकित हो चुका है अब अज्ञानी कहाँ है अब तो केवल आनंद ही आनंद है दुख दुख नहीं है दुख नाम क्या ये न जना प्रभु जब आप आते हैं तो दुख के नाम तक कहीं नहीं रहता है क्योंकि आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है स्वरूप है और भक्त भगवान के श्रीचरण की वंदना कर रहा है और ये वंदना करते करते हुए इतना मग्न हो चुका है कभी तो भगवान के श्रीचरण को अपने वक्षस्थल से लगा लेता है कभी अपने मस्तिष्क पर रखता है कभी तो श्री चरण पर अपने मस्तिष्क को रख करके प्रभु का आनंद के आनंदाश्रु में उसके नेत्र से जल बहता है और भगवान के श्री चरण की अपने नेत्रों के जल से पूजा करता है प्रसंग याद कीजिए भाद्रमास कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ है यशोदा जी के गोदी में हमारा सर्वस्व हमारा नीलमणि है यशोदाजी बुहर मुहूर करके देख रही है उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है सभी गोपियां भावरी बन करके आई है कक्ष विशाल है आकर के देहरी के बाहर स्तब्ध हो गई है हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था आज उस ब्रह्म संबंध की स्थापना हो रही है गोपियां हाथ में क्या लाई है दही लाई है मक्खन लाई है दूध लाई है जहां परमात्मा का दर्शन हुआ है सब बुध भूल गई है यशोदा मैया बार बार कह रही है पुनः पुनः कह रही है अरे भीतर चली आओ गोपी भीतर आ जाओ अरे वहीं पर समाधि लग गई अब सुनने वाला कौन है खुली आंख से समाधि लगती है आंख बंद करनी नहीं है यशोदा जी बार बार बुला रही है भगवान कहते हो जीव अब मैं सगुण रूप से आया हूं तो तुम खुली आंख से समाधि काहे को लगा रहे हो आओ भीतर आ जाओ ना अरे हमें भी तो अपनी गोदी में लो आचार्यों ने क्या क्या सुंदर महान सिद्धांत बताए गोपियों के हृदय के अंदर में अंतकरण में जो परमात्मा बैठे हैं जो आनंद का रसपान कर रहे थे यशोदा जी मैया कहती है, अरे बाबरी हो गई हो क्या बाबरी बिदर चली आओ सब गोपियों को सभान हुआ है सब गोपियां आ गई है यशोदा जी को घेर ली है वृत्त करके यशोदा जी कहती है देखो मेरे घर लालो भयो है जो चाहिए ले जाओ आप सब के आशीर्वाद से आप सब की साधना से मेरे यहां नंद बाबा के यहां आनंद का उद्गम हुआ है आनंद का प्रगटीकरण हुआ है किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है गोपी ने कह दिया मैया हमको तो ये कही चाहिए बोले क्या चाहिए मैया जो आपकी गोद में वो हमें हमारी गोद में चाहिए और जहां यशोदा मैया ने लालन को गोपियों की गोद में रखा बस जैसे समग्र विश्व को उसी घड़ी की प्रतीक्षा थी देवताओं ने दंदु भी नादे बजाना शुरू कर दिया वृष्टि शुरू की बुदेवों ने स्वस्ति वाचन शुरू किया पुरुष शोक्त का उच्चारण शुरू कर रहे ऋषि लोग सहस्र सिर पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात और गोपी बाबरी बनकर के भगवान को स्नान कराने जाती है तो स्नान किससे हुआ है गोपियों के प्रेमाश्रु से स्नान हो गया है कृष्ण गणालीजे अब गोपियों ने उस स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लिया है उससे विरत नहीं होती है देखिए इतने इतने सुंदर ये प्रसंग है जब पुतना वध हुआ गोपियां भगवान की नजर उतारती है क्या कहती है गोपिया नजर उतारते उतारते कहती है अज भगवान तारा चरण कमड़नी रक्षा करे हयग्रीव भगवान तारा जठरनी रक्षा करे वामन भगवान तारा मुखार विंद रक्षा करे विष्णु भगवान तारी बुझावो नी रक्षा करे नारायण तारा सर्वांग रक्षा करे गोपिया एक एक देवताओं का स्मरण करके भगवान की चरण वंदना कर रही है अमारो बाला मुकुंद जय सूत हो तारे आ भगवान एनी रक्षा करे पड़ख फेरवे तेरे गोविंद एनी रक्षा करे हमारा बाल मुकुंद जब सोया हो तो भगवान नारायण उसकी रक्षा करे करवट बदले तब भगवान गोविंद उसकी रक्षा करे भक्त अपने हृदय में भगवान के श्रीचरण को पधराता है और उसमें उसको जो आनंद मिलता है वो एक निमेश नहीं आधी निमेश के लिए भी भगवान के श्रीचरण को छोड़ना नहीं चाहता है मुक्ति तो उसने त्याग दी है पदतल चाटे अनेक अनेक जन्म के बाद आज ब्रह्म संबंध हुआ है वो ब्रह्म संबंध से विच्छेद होना नहीं चाहता है हमारे वल्लभाचार्य जी ब्रह्म संबंध कहते हैं उसको पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध कहा गया है जो जो कहना चाहे कह सकते हैं अब जब भक्त के हृदय में भगवान के ऐसे सुंदर चरण आ गए अब भक्त को और क्या चाहिए उसे जगत तो दिखता ही नहीं है अपने तन की सुदबुद भी नहीं रही है कुछ नहीं रहा वो केवल भगवान के श्री चरण को लेकर के ही रहता है ज्ञान प्राप्त हो गया सब दुख चले गए अब वो जो प्राप्त होता है उसका वर्णन मुंह से नहीं कर सकते हैं महात्मा लोग बंद हो गए हैं हृदय का अंधकार भी दूर हो गया सब ताप दूर हो गए ताप तो एक ही था श्रीकृष्ण विरह का ताप श्री कृष्ण विरह के अग्नि में जल रहा था भक्त देखिए कल एक ने जिज्ञासा की है कि महाराज हम तो केवल भक्त है हम ये बड़ी बड़ी बात नहीं समझ पाते हैं हम केवल भक्त होकर के रहना चाहते हैं बात बहुत अच्छी है भक्त होना भी बहुत कठिन है पूर्ण चित्त से भगवान को पुकारना पड़ेगा देखिए हम सब लोग हमारा तन से तो हम हमारी जगह में है लेकिन जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं हमारे भगवान के श्री चरण के पास कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मूतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो तो विजय गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि आप सब लोग रोज पाठ करते हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र का उसी का चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन कीजिए आप लोगों को आता होगा आप लोग हमारे साथ उसकी आवृत्ति कीजिए करार विदे न पदार मुखार विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हेनाथ नारा यणवासुदेव जिहवे पिबस्वा मृदमेथदेवं गोविन्द दामो धरमादेदी वटवृक्ष के पल्लव पर हमारे बाल मुकुंद सोए हुए, हुए हैं समग्र सृष्टि का विलय हो गया है और दाहिने पांव के अंगूठा अपने मुंह में डाले हुए हैं आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पांव का अंगूठा मुंह में डाल देता है करार विंदे न पदार विंदमिंदे विन वेशम वटस्य पत्र पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हे नाथ नारा यणवासुदेव जिहवे पिबस्वा मृदमेत मृद में तोविंद दामो धरमादेदी अब वृत्ति क्या हो गई भगवान के श्रीचरण को अपने हृदय में पधरा दिया तो क्या वृत्ति हो गई <coughs> विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकम्बोह वशादवोच दाम धर्मादवेदी दही बेचने गई गोपी दही लो दही लो की जगह कह रही है माधव लो माधव लो माधव लो क्या हो गया जो अनेक जन्मों की तपस्याओं के बाद ऋषियों को प्राप्त नहीं होता है योगियों को प्राप्त नहीं होता है विक्रेतु कामा कि रो बन्या मुरारी पादार पितचित वृत्ति मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति हो गई है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है दध्यादिकम्बोह भषादवोच गोविन्द दामो धरमादवेदि गृहे गृहे गोपवदुगदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामो धर्मादवेति गोपिकाएं इकट्ठा होकर केवल श्री कृष्ण आप भजन कर रही है श्रवण कर रही उनकी लीलाओं का गान कर रही है लीला माधुरी रूप माधुरी उसका गान कर रही है सुखावसाने बसाने इदमे दुख वसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामो धर्मादवेदि सुखमे सारा वस्तु ही है दुख में स्मरण करने की वस्तु भी एक ही है और शरीर का जब प्राण शरीर में से निकलने वाले होते हैं तब जप करने योग्य भी एक ही वस्तु है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यणवासुदेव सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति भर्त्या ते निश्चितं दयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो धरमादवेदि श्रीकृष्णराधा वरगोकुलेश गोपालगोवर धननाथकृष्ण जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द ददामो जिहवे सदैवं भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तविनाशनानि गोविन्द दामो धरमाधवेदि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृदमेथदेवं गोविन्द दामो धरमादवेदि भक्त एक क्षण के लिए नहीं आधी निमिष के लिए भी भगवान के ये श्रीचरण अपने से अलग करना नहीं चाहता है देखिए हमारे भगवान के श्रीचरण हमारे हृदय में आते हैं हम भगवान का स्मरण करते हैं हम बैठे हैं अपनी अपनी जगह लेकिन परमात्मा का स्मरण किया हम कहां पहुंच गए हमारा सब दुख ताप संताप हम सब भूल गए भगवान के आनंद का कुछ कुछ तो अनुभव हुआ अपनी अपनी कक्षा के अनुसार हमको भगवान के नाम स्मरण का आनंद कुछ तो अनुभव हुआ सोचित तो जब भगवान के श्री चरण आ जाएंगे तो कितना आनंद होगा हम विषयों की वासना से जल रहे हैं भीतर हमारा जल रहा है ताप से और जब हमारे नंद नंदन नंदन, नंदन का स्मरण करते हैं सब दूर हो जाता है जो सुजता नहीं था कि ईश्वर क्या है कहां है इस अज्ञान अंधकार में कैसे दिखाई देंगे वो सब मटिया मेट हो गया हम प्रेम से भगवान के श्रीचरण को अपने छाती से लगा करके वक्षस्थल से लगा के बैठे जैसे शरत ऋतु हो अभी तो शरद ऋतु आई है दिन में कितनी धूप पड़ती है कड़ाके की धूप पड़ती है और रात्रि में चांदनी आ जाती है तो संसार के ताप से हम जल रहे थे लेकिन जहां भगवान के श्रीचरण हमारे हृदय में आ गए आहा हा हा, चांदनी लग गई मंद मंद वायु बहने लगा उनकी कृपा का उनके श्रीचरण की शीतलता हमारे हृदय में आ गई आनंद आनंद हो गए हम पुलकित तो हो गए अरे आनंद से नृत्य करने लगे गाने लगे नाचने लगे नेत्र पेमाश्रू बहने लगे एक स्वर से हम पुकारते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा णवा जिहवे पिबस्वा पिब स्वा मृत में गोविंद दामो धरमा अंधकार था और पूर्णिमा का उजाला हो गया समझिए और वो उजाला कैसा शीतल पूर्ण उजाला है सब अंधकार चला गया अज्ञान रूपी अंधकार चला गया सूरज की कड़ाके की जो धूप पड़ रही थी अरे उसमें हमें चांदनी की शीतलता लगने लगी चांदनी का आह्लाद हो गया भगवान ने आनंद बिखेर दिया महर खन मूज्यश्री लिखते हैं हैया महर खन सद गुरु पूजन आज आज तो हम भगवान के चरणारविंद की पूजन कर रहे हैं अरे हमारे हृदय के अंदर में आनंद की सीमा नहीं है हैया महर खन अय्या माहरख नमाय सद पूजन आजे पुष्प लावो हार बनावो पुष्प लावो हार बनावो प्रेम श्री गुरु जी ने चरण नाचो आनंदे अपार ओ नाचो आनंदे अपार सद गुरु पूजन आज हैया मर ख नमा हैया मर ख नमा हमारे हृदय में आनंद की फुहरिया फुर रही है हृदय में आनंद समाता नहीं है हैया मर ख नमा सदगुरु पूजन आज हमारे सदगुरु जी का जो हम पूजन कर रहे हैं पुष्प लाइए अरे माला बनाइए और हमारे सदगुरु जी के चरणों में अर्पण कीजिए आनंद से नाचिए गाची गाइए प्रेम से भगवान के पूजन कीजिए सगुण भक्त कहता है प्रभु अज्ञान अंधकार दूर हो गया जो ताप से मैं जल रहा था वो ताप चला गया चांदनी की रोशनी आ गई पूर्णिमा का उजाला हो गया प्रभु नखचंद्र की चिटकती हुई चांदनी हम आनंद से उसका अनुभव कर रहे हमारे बाल मुकुंद के जो श्री चरण हैं महात्माओं ने क्या वर्णन किया है भगवान के जो नाखुन है नखचंद्र है समझिए अरे सब तो भाव से ही होता है ना जो संबंध बना है भाव से बनाए तो अब हम भाव के राज्य में चल करके हमारे नीलमणि की उपासना करें हमारे प्राण प्रिय हमारा प्रियति प्रियतम जो हमारा सर्वस्व है श्री कृष्ण की उपासना करें भगवान के श्रीचरण के जो नख है अरे वो तो चांदनी की रोशनी है भगवान के श्री चरण की जो लाली माँ है अरे वो तो पूर्णिमा का उजाला है समझिए इसलिए भागवतकार आगे के श्लोक में बहुत सुंदर लिखते हैं नयस्य हृदय न हितोप्य गोगनाश प्रणय रशनयादृतांग्रि सभवदी भागवत प्रधान उक्त बहुत सुंदर चिंतन है उस चिंतन के पहले महाराज जी से निवेदन रहेगा सुंदर भजन की प्रस्तुति कीजिए बाद में इस विषय में आगे प्रवेश करेंगे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो लोग सुन रहे हैं आपको आता है सबको ये भजन प्रेम से गाइए सबसे ऊंची प्रेम सगा दुर्योधन के मेवा गे दुर्योधन के मेवा्याे साग भी दूरगर खाई साग भी दूर घर खाई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम से गई झूठे फल शबरी के खाए झूठे फल शबरी के खाए बहु स्वाद बताई झूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई प्रेम के वश नृप सेवा की नी प्रेम के वश प्रेम के वश रूप सेवा की आप बने हरी सबसे ऊँची प्रेम सगा सबसे ऊँची प्रेम सगा राजसुयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसुयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो नो उठाई झूठ उठई राजसुयग्न युधिष्ठिर कीनो तामें झूठ ता प्रेम के वश अर्जुन रचहा प्रेम वश अर्जुन रचहा क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई यज्ञ स्थिर तीनों झूठ छाई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों आ, प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊँची प्रेम सगाई सबसे ऊँची प्रेम से गाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपीन नाच नचाई सबसे प्रेम से गाई सबसे प्रेम से गाई सूर क्रूर इस लायक सूर क्रूर इसलायकना कहूं लग करो बड़ाई सूर क्रूर इसलायक नही कहूं लग करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊँची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्याग दुर्योधन दुर्योधन के मेवा त्याग सग विदुर ग खाई सबसे ऊँची प्रेम सगाई सबसे ऊँची प्रेम सगाई सबसे ऊँची प्रेम सगाई कृष्ण लाल की जय सबसे मूची प्रेम सगाई तो सगुण भक्त जो है भगवान के श्री चरण को अपने हृदय में रख देता है और वो कहता है यही भाव जो कल दर्शन किया था हमने ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह्यकाङ्क्षे अहं हरेतव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृहिणीतवाहकर्म करोतु करोतुकायः अब जब भगव भक्त भगवान के श्रीचरण को इतने जतन से प्रेम से अपने हृदय में लगा देता है तो देखिए भगवान की भगवत्ता देखिए अब आचार्य समझाते महात्मा समझाते हमको स्वयं हरि ही इतने कृपालु हो गए क्योंकि भगवान हमारे कैसे हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव दीच साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन भगवान भक्त के अधीन है कैसे भक्त के अधीन है? जिसकी वृत्ति मुरारी पादार पितचित्त चित्त वृत्ति हो गई है भगवान कृपालु हो गया भगवान से रहा नहीं गया भगवान कहते हैं जिस घर में मुझे इतना आनंद मिलता है आराम मिलता है उस घर को छो, छोड़कर जाने वाला कौन है अब भगवान कहते अब हम जाने वाले नहीं है समझिए भगवान ने कह दिया हम अब तुम्हारा घर छोड़कर कि यह घर छोड़कर नहीं जाने वाले भगवान वैकुंठ का त्याग करके सदा के लिए आ गए भक्त के हृदय में बैठ गए समझिए भगवान कहते अब हम जाने वाले नहीं है तुम्हारे यहां से भक्त के हृदय में भगवान बैठ गए भगवान को भी जिस भक्त के हृदय में आनंद आता हो आनंद मिलता हो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं जाते नहीं है इसलिए तो कहा सगल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिदन्या निवस धीरे शाम श्री हरिभक्ति का हार हो जाएंगे ऐसी भक्ति प्राप्त होने पर हरिपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय सर्वथा तो विहाय हरिपि निज लोकम शब्द पर ध्यान दीजिए भगवान सदा के लिए अपना लोक छोड़ करके आ गए हरिपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रिदिते शाम श्री हरिर्भता प्रविश दि रिदिते शाम श्री भक्ति रे का क्या अद्भुत लिखा है मनुष्य के हृदय में पाप ताप दुख संकट आदि व्याधि सब दूर हो गए स्वागत नीसी करुत रंगदूत महाराज लिखते हैं जब भाव से पूजन करने बैठे हैं तो फिर इसमें हम कचास क्यों रखे थोड़ा थोड़ा करके क्यों देखे आइए देखे आनंद से देखे जितना देखेंगे आनंद से देखेंगे स्वागत नीसी करु तारी तन मन धन अरपू तुझ पर वारी विघ्नो सि गुरुगर आघ्नो सीधा आव्या मेरे गुरु मेरे घर आ गए हमारा घर क्या है अरे अद्भुत घर को कौन पूछता है हमारा हृदय हमारा घर है समझ लीजिए गुरु घर आव्या हमारे गुरु जी हमारे घर आ गए हम स्वागत की क्या तैयारी करें तन मन धन सब कुछ हमने लुटा दिया है अर्थात हमारे जितने भाव थे उस सब भाव से मुरारी पादार चित्त वृत्ति से हम भगवान का भजन कर रहे हैं उनके चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं जब ऐसी उपासना की तो भगवान के तब हम जाने वाले नहीं है हरिदी निज लोकम सर्वथा तो विहाय इसलिए क्या कहा भगवान ऐसे है कि यदि कोई विवशता से कह भी दे प्रभु अब चले भी जाइए भगवान जाने वाले नहीं है महात्माओं ने यहां तक कह दिया अरे कोई विवशता से भगवान को पुकार ले यहां तो हम आनंद से पुकार रहे हैं प्रेम से पुकार रहे हैं जो आनंद से पुकारता है प्रेम से पुकारता है आर्त होकर के पुकारता है कृष्णाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति से पुकारता है उसके हृदय में तो बैठ ही जाएंगे लेकिन हमारा ये नंदनंदन नंदन ऐसा है कि कोई विवशता से पुकार दे केवल विवशता से पुकार ले तो भी उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जगन्नाथ आ जाता है इसलिए कहा सुकृदोच्चारे दस्तु जगन्नाथे हेलया ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय मुच्यते नात्र संशय अगर अवहेलना से भी अगर अवहेलना से भी कोई कह दे जगन्नाथ बस हमारा जगन्नाथ उसका हो जाता है आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे न गए हो कभी जीवन में सुअवसर मिले तो जगन्नाथ पूरी अवश्य जाइएगा भगवान का एक अनुपम विग्रह है भगवान की महिमा तो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न है भगवान ने इतनी सारी महिमा भिन्न भिन्न जगहों में क्यों की ताकि मेरे भक्त मेरे गुणगान गाते गाते मेरा दर्शन करते रहे जगन्नाथपुरी में जाइएगा सुअवसर प्रदान हो तो भाव से जाइएगा इतना आनंद आवेगा और कहते हैं एक बार जगन्नाथ जी से प्रेम हो गया जगन्नाथ जी छोड़ते नहीं है महात्माओं ने कहा है ये बात सत्य है और जगन्नाथ जगत का नाथ है इसलिए कहा कोई विवशता से अरे अवहेलना से भी एक बार पुकार ले जगन्नाथ बस कोई विवश होकर के भी पुकारे भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो उतने से ही उसके पाप का नाश हो जाता है देखो यह भी तो एक सौभाग्य ही है कि ऐसे समय में जगन्नाथ जी का नाम याद आना भगवान का नाम याद आना जो कहना है कह लीजिए जगन्नाथ कहिए राम कहिए कृष्ण कहिए काली कहिए दुर्गा कहिए शिव कहिए विष्णु कहिए राम कृष्ण कहिए मां शारदा कहिए नाम हजारों नामी एक रूप करोड़ों रूपी एक सगड़े एकज हार यह भी भगवान की ही कृपा होता है सौभाग्य होता है कि ऐसे जब मनुष्य विवश हो जाता है दुख में भगवान का स्मरण हो आता है समझिए अन्यथा दुख में स्मरण नहीं होता है हमने देखा है विकट परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति की फिर भी व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है क्यों क्योंकि उसके जिह पर पाप आकर बैठ जाता है वो पाप अवरुद्ध होता है भगवान नाम स्मरण कराने में इसलिए यह ख्याल रखिए कि हम सब समय भगवान को पुकारते रहे हे नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं महात्मा लोग कहते हैं उच्चारण करते रहिए, खाते पीते उठते बैसते जता बता स्नान के खान पाने वड़ी उठता बेसता काम टाने सदाउंग स्वप्ने हे चित्तदत्त। सब समय हे नाथ में आपका और आप मेरे है भगवान के सामने कपट मत रखिए जो कुछ किया है भला बुरा सब एक बार निवेदित कर दे हम भगवान के सामने हम पर्दा रखेंगे तो भगवान भी पर्दा रखेंगे इसलिए तो हमारे तुलसीदास जी ने कह दिया मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है छिद्र पसंद नहीं है भगवान तो पापी के हृदय में भी चले जाते हैं भगवान ऐसे नहीं है कि पापी के हृदय में नहीं आएंगे हम कहेंगे हम प्रभु हम पापी है। अरे छोड़ो हमने भगवान का नाम लिया है अब कहेगा का। विवश होकर एक बार जगन्नाथ पुकारा तो जगन्नाथ आ जाते हैं एक बार विवश होकर के पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भगवान को कहीं पाप नहीं लगने वाला है हमारे हृदय में आने से भगवान को कहीं काली नहीं लगेगी क्योंकि उनके नाम में ऐसी शक्ति है जहां उनका नाम लिया हमने हमारे सब पाप और ताप को वो भस्मीभूत कर देते हैं और भीतर में प्रेमालोक प्रेमाश्रु बहने लगते हैं प्रेम की छोहरिया फुटने लगती है अरे भगवान कहते अब हम इस हृदय को छोड़ करके जाने वाले नहीं है संगति लगा लीजिए हमने भागवत की शुरुआत में कहा था हृदय में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए समझिए तो फिर कोई छोटे छोटी चीज उसमें टेढ़ी चीज कैसे भी घुसा दी जाए फिर वो टेढ़ी चीज निकलती नहीं है कन्हैया कहता है अब हम निकलने वाले नहीं है वो तो जब चीज टूटेगी तभी निकलेगा तो हमने अपने कर्णों से हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारा है कर्णों से उसका लीला चिंतन किया उसका गान सुना है उसका रूप माधुरी का चिंतन किया उसकी माधुरी का श्रवण किया है उसकी लीला माधुरी का श्रवण किया है तो वो हमारे हृदय रूपी छोटे छिद्र में आ जाते हैं अब भगवान कहते हम निकलने वाले नहीं हैं टेढ़ी चीज में कोई छोटी चीज में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए बाद में वो निकलती नहीं है वो तो फिर कलेजा फटेगा तब ही निकलेगा तब तक निकलने वाला नहीं है अरे भक्त ऐसे भी होते हैं निकालने के लिए कहते लेकिन कन्हैया निकालता नहीं है गोपी कहती है ना जमुना जी की पुलिन पर बैठी है गोपी और गोपी ध्यान कर रही है नारद जी ने पूछा अरे गोपी किसका ध्यान कर रही हो बोले ध्यान थोड़ी ना कर रही हूं जो हृदय में बसा है उसको निकालने के लिए आंखें मूंद रही हूं मैं उठते बैठते खाते पीते नंद का छोरा ने हमारे मन में धुम मचा के रख दी है हमारा कोई काम नहीं होता है तो सगुण भक्त के ये लक्षण है गोपी ने कह दिया हम आंखें मुंद इसलिए नहीं किया हमने कि भगवान का कन्हैया का ध्यान करने के लिए अरे वो जो भीतर में बसा हुआ है उसको निकालने के लिए समझिए तो क्या भगवान निकल जाएंगे बोले नहीं निकलने वाले हैं तुम चाहोगे फिर भी निकलने वाले नहीं है भगवान तो जहां पर भगवान को एक बार आनंद मिल गया भगवान उस जगह को कभी छोड़ते नहीं है ये दुनिया ऐसी है ना एक बार पकड़ेगी तो कब छोड़ देगी उसका कोई ठिकाना नहीं है लेकिन हमारा श्याम सुंदर हमारा प्रियति प्रियतम हमारे श्री कृष्ण हमारा नीलमणि ऐसा है जो एक बार पकड़ेगा फिर कभी वो छोड़ता नहीं है श्री राम कृष्णदेव कहते हैं एक बार कोबरा ने दस लिया बाद में कोई आवाज होने वाली नहीं है यहां बस ये भगवान ऐसे है भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं है और जब ऐसा होता है तब भक्त हंसता है गाता है नृत्य करता है आनंद से एक ही स्मरण करता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा जिहवे पिबस्वा गोविंद दामो यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है कल तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते प्रभु हमारे मन की मति, गति और अरति आपके चरणों में बनी रहे कृष्ण जय भक्त भक्तवत्सल भगवान गीजय सब संद न गीजय सब भक्तन न गीजय ओ नम पार्वती बद हर हर महादेव हर